Three P-Town actresses involved with Underworld Dawn. Jacqueline Fernandez, 2017 में जयललिता के एक रिलेटिव एंड सन टीवी के ओनर सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडिस के हेयर ड्रेसर को अप्रोच किया। पहले एक दो बारी में तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, बट जब जयललिता के नाम से सुकेश को जोड़ा गया तो जैकलिन उनसे मिलने के लिए चेन्नई गई और वहाँ शुरू हुई इन दोनों की लव स्टोरी। 2022 में जब मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश को अरेस्ट किया गया और जैकलिन फर्नांडिस को भी रिमांड पर लिया गया तो उन्हें पता लगा कि सुकेश का जयललिता से कोई लेना देना है ही नहीं और ना ही वो सन टीवी का ओनर है, बल्कि वो तो एक कॉन मैन है। इसके अलावा और भी डार्क बिजनेस है उसके। तब से लेकर आज तक जैकलिन इस मैटर में फंसी हुई है। उन्हें इंडिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं है और जब आईफा के लिए उन्हें बाहर जाना होता है तो हमेशा परमिशन लेनी पड़ती है, तभी वो जा पाती है। खैर, इस इंसिडेंट के बाद एक्ट्रेसेस के डार्क कनेक्शन पर सवाल उठे और बीच में आया दाऊद इब्राहिम एंड एंटायर अंडरवर्ल्ड का नाम, उन एक्ट्रेसेस के साथ जिनसे अंडरवर्ल्ड का अफेयर रह चुका है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है ममता कुलकर्णी का। ममता कुलकर्णी अंडरवर्ल्ड डॉन विकास गोस्वामी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसके लिए वो दुबई तक भाग गई थी। विकास गोस्वामी पर उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग डीलिंग के चार्जेस थे। कई सालों तक ये दोनों गायब थे, लेकिन 2014 में इन दोनों को केन्या से अरेस्ट किया गया। ममता कुलकर्णी का अच्छा खासा बॉलीवुड करियर भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के चलते तबाह हो गया था। नंबर टू, मधुबाला। 80s की खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला भी अंडरवर्ल्ड के निशाने पर थी। मधुबाला की खूबसूरती के तो सभी दीवाने थे, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन की खास पसंद थी मधुबाला। वो उन्हें पाना चाहते थे, लेकिन लकीली मधुबाला खुद को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन एक्ट्रेस सोना का अफेयर हाजी मस्तान के साथ शुरू हो गया। अगर आपने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई देखी है तो आपको बता दें, कंगना रनौत ने जो कैरेक्टर प्ले किया था वो सोना से ही इंस्पायर्ड था। सोना मधुबाला से काफी रिजेंबल करती थी और इसीलिए हाजी मस्तान ने सोना से शादी कर ली। नंबर थ्री, अनीता आयोग। मॉडल एंड स्मॉल टाइम एक्ट्रेस अनीता आयोग पाकिस्तान का जाना माना चेहरा थी। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी फिल्म्स में काम किया था। अगर करियर में आगे बढ़ती तो शायद आज की डेट में उनकी काउंटिंग भी पॉपुलर एक्ट्रेसेस में होती, लेकिन दाऊद इब्राहिम के साथ उनके अफेयर ने उनके फिल्मी करियर में रोक लगा दी। इंडस्ट्री के लोगों ने अनीता आयोग को काम देना बंद कर दिया, जिसके बाद दाऊद ने डायरेक्टर्स पर दबाव बनाना स्टार्ट किया कि वो अनीता को फिल्म्स में ले। यहाँ तक कि दाऊद ने प्रोड्यूसर जावेद सिद्दीकी को काफी फोर्स किया था अनीता को फिल्म में कास्ट करने के लिए, और जब उन्होंने मना किया तो दाऊद ने उनकी गोली मरवा कर उनका मर्डर करा दिया। बस शेयर योर व्यूज इन कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है, क्या आज भी बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड कायम है? फॉर मोर सच कॉन्टेंट डू फॉलो अस।